अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यूज़ हेल्थ चैनल। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, सेप्ट्रन डीएस टैबलेट का रिव्यू लेकर आया हूँ। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे वीडियो में, अंत तक साथ रहिएगा। सेप्ट्रन डीएस जो है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन के दौरान जो है ना इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, आपके नाक में इन्फेक्शन है, अगर आपके चेहरे पर कोई दाना वगैरह हो गया या जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई दाना वगैरह हो गया, फुंसी वगैरह हो गई है, तो उसके दौरान जो है ना ये टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म में मलैश वगैरह हो जाती है, उसके दौरान जो है ना दाने वगैरह निकलते हैं, उनके लिए जो है ना ये टैबलेट इंतहाई मुफीद है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है या कोई आंतों वगैरह में आपके इन्फेक्शन हो गया या आपके फेफड़ों वगैरह में इन्फेक्शन हो गया या आपकी पेशाब की नाली वगैरह में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके दौरान भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जानवरों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कोई हो जाता है, तो उसके दौरान भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में परिंदे वगैरह हैं, तो उनको भी अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो उसके दौरान भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन के दौरान जो है ना ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। बेहतर है कि कोई भी मेडिसन हो, आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट से हौसला अफजाई मिलती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।